हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के साथ साथ बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो अब तक हमने जितना भी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में अब तक बात नहीं की। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बात ना करने का रीज़न ये है क्योंकि अब तक अपने को ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है। 1921 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से अपने को ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पिन पार्टिकल है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हमने स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट देखा था क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एक हीटर है, या सबसे पहले हमने यहाँ पे एक भट्टी ली है। सपोज दैट अपने पास ये एक भट्टी है और इस भट्टी में हमने एक के टंगस्टन की फिलामेंट ले ली, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने हीटर, ठीक है। हीटर का काम क्या है, हीट करना है। और हीट क्या करेंगे, हीट करने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं सिल्वर एटम। सपोज दैट अपने पास ये यहाँ पे क्या है, सिल्वर एटम, ठीक है। इनिशियल ये जो सिल्वर एटम है वो न्यूट्रल स्टेट में है या फिर ग्राउंड स्टेट के अंदर है। अब यहाँ पे सिल्वर एटम ही क्यों लिए गए हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सिल्वर के जो एटम है वो बड़ी इजिली मेल्ट हो जाते हैं, बड़ी इजिली पिघल जाते हैं, पहला रीजन तो ये है। और बड़ी इजिली पिघल के ये बीम की फॉर्म में भी बड़ी इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन ये है कि इसके जो वैलेंस सेल है, आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम होते हैं। इसके 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कि ये रीजन भी है कि इसके वैलेंस सेल में क्या कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से हीटर स्टार्ट करूंगा, तो ये जितने भी सिल्वर के एटम है जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, सब के सब एनर्जी गेन करेंगे। और एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, इन सिल्वर एटम का बीम चाहिए, तो बीम के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, ठीक है। अब ये क्या है, स्लिट, ठीक है। स्लिट की हेल्प से अपने को इन सिल्वर एटम का एक बीम मिल जाएगा। उसके आगे चल के मैंने यहाँ पे एक नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दिया। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे लिख दिया नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई करवाया है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है। जैसे ही ये सिल्वर एटम इस नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक ग्रेडियंट बनेगा। मैग्नेटिक ग्रेडियंट बनने के कारण इन सिल्वर एटम के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के कारण ये डेविएट होंगे, ठीक है। अब आगे मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। जैसे ही ये सिल्वर एटम इसके अंदर से पास होंगे तो इस टाइप से ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा डायग्राम है जिसकी हेल्प से अपने को हमने देखा कि स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर अपने पास जो पैटर्न मिला वो पैटर्न किस टाइप का था, पैटर्न यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। पैटर्न अपने को कुछ इस टाइप से मिला, इस टाइप से यहाँ पे कुछ पैटर्न ये जो है वो यहाँ पे मिला और ये वाला यहाँ पे मिला। ये है साइड व्यू। अगर मैं इसके टॉप व्यू की बात करूँ तो टॉप व्यू अपने को कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसका टॉप व्यू है, ठीक। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हेन सिल्वर एटम पास थ्रो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, सिल्वर एटम पास पासेज थ्रो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन बीम ऑफ सिल्वर एटम,
एटम स्प्लिट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट टू पार्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब ये सिल्वर एटम का जो बीम है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होगा, तो इनिशियली अपने पास सिल्वर एटम किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। जैसे ही हीट किया तो उनके पास एनर्जी आई, एनर्जी आई तो वो एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे की तरफ रन करे, ठीक है, आगे की तरफ गए। तो जैसे ही वो सिल्वर एटम इस यहाँ पे, ये मान लिया इन्हीं एक सिल्वर एटम यहाँ पे है, अब यहाँ पे सिल्वर एटम है तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। जैसे ही वो सिल्वर एटम इस नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड इस सिल्वर एटम की जो एनर्जी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, और इस सिल्वर एटम की जो एनर्जी है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म आएगी, और ये जो करेक्शन टर्म है वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो करेक्शन टर्म ड्यू टू नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, करेक्शन टर्म ड्यू टू नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या आ जाएगी अपने पास, E इक्वल टू एम एल म्यू बी, और ये है B। ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है। अब एम एल की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितना है, दो वैल्यू है एम एल की। अगर मैं एम एल की दो वैल्यू है यहाँ पे, तो एल की कितना, एम एल की पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल एम एल ये कितना हो जाएगा अपने पास, टू एल प्लस वन। ठीक है, और इसको आगे सोल्व करेंगे, टू एल प्लस वन इक्वल टू टू। टू कहाँ से आया, क्योंकि ये बीम दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हुई है, यहाँ से एल की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगी, वन बाय टू वैल्यू आ जाएगी। अब एल की वैल्यू अपने पास टू पॉसिबल नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे अपने पास, दो साइंटिस्ट, एक तो स्मिथ गोड था और दूसरा जो सेकेंड था वो था ओलियन बैक। इन्होंने सजेस्ट किया कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम एक स्पिनिंग चार्ज स्फीयर के जैसा मान सकते हैं, कैसा, स्पिनिंग चार्ज स्फीयर के जैसा मान सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास एक स्पिनिंग चार्ज स्फीयर है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन होगा तो उस स्पिन मोशन के कारण क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, उस स्पिन मोशन के कोरस्पोंडिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो यहां पे बोला गया सो फर्दर गॉडस्मिथ एंड ओलियन एक सेकेंड ओ एच एल ओलियन बैक सजेस्ट दैट suggested that electron is like spinning charge sphere। ठीक है, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के एक स्पिनिंग चार्ज स्फीयर के जैसे मान लिया तो उसका क्या होगा, कुछ स्पिन मोशन होगा, और स्पिन मोशन के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो सो देयर इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम कोरस्पोंडिंग स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके लिए क्या लिखा, एस इंटू एस प्लस वन एच बार अंडर द रूट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एस है, इस एस की पॉसिबल जो एस है वो एस क्या है अपने पास, स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, और इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो माइनस एस से लेके प्लस एस तक इसकी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे L की पॉसिबल वैल्यू ली थी वैसे यहाँ पे भी
एस की पॉसिबल वैल्यू लेंगे, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस एम एस ये क्या हो जाएंगे अपने पास 2s+1, और टोटल कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो रहा है, तो 2, और यहाँ से s की जो वैल्यू वो कितना आ जाएगी 2s=1, और s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ से फिर बताया गया कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इज स्पिन हाफ पार्टिकल। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है तो स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट उसको क्या बोल दिया म्यू एस, और ये आ जाएगा G=μp और H⁻ और B। ये जो रिजल्ट है वो सॉरी B नहीं, ऐसा आएगा एस। ठीक है, ये जो रिजल्ट है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वाला ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट यूज किया है। अब ये जो जी एस है, जी एस का जो वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि ये दो पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो इसकी जगह 2 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा μs=2μb/H⁻ और एस। अगर मैं इसका जेड कंपोनेंट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका जेड कंपोनेंट लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें समझने वाला बेसिक यही है, उसके बाद तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पहले भी शायद पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, अगर मैं अब इसके जेड कंपोनेंट की बात करूं, एक सेकेंड, जेड कंपोनेंट क्या जाएगा म्यू z=-2μp/H⁻ और एस जेड। ठीक है, जैसे अपने पास एल जेड होता है वैसे ही हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एस जेड ले लिया। जितने भी एंगुलर मोमेंटम है, जितने भी एंगुलर मोमेंटा है, वो सब सेम कोमिटेशन एलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस एल जेड की वैल्यू क्या होती है अपने पास एम एच कट, वैसे ही एस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी एम एच कट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा μz=-2μb/H⁻ और एस जेड की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एम एस और एच कट, ये एच कट से एच कट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, μz=, क्या जाएगा μz=-2μb/ms। ठीक है, ये अपने पास इसका जेड कंपोनेंट आ जाएगा, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, अब अगर इसको मैं आगे सोल्व करना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन का अपने पास स्पिन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपने पास हाफ होता है, तो s=, मैंने कितना लिखा 1/2। अब अगर मैं s=, कितना है 1/2 है, तो ms की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास, माइनस एस से लेके प्लस एस तक ये हो जाएगा -1/2 और +1/2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी किसकी, एम एस की। एस की वैल्यू कितना है, हाफ है, तो एम एस की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस एस से लेके प्लस एस तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू उठा के अगर मैं इसके अंदर रखूँ तो अपने पास म्यू जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी, म्यू जेड इक्वल टू यहाँ पे म्यू बी की जगह, म्यू बी एज इट इज एम एस की जगह कितना रखता हूँ 1/2 रखता हूँ, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू बी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस म्यू बी के इक्वल आ जाएगा कौन सा, जेड कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हाफ स्पिन होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी भी माइनस नहीं होता। वैसे हम बोलते हैं कि ये अपने पास क्या है, प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हमेशा प्लस हाफ ही होता है, कभी भी माइनस हाफ नहीं होता। जो माइनस हाफ हमने यहाँ पे लेके चले हैं वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, अगर इसमें आप एक लाइन और ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर मेरे पास एस का वैल्यू 1/2 है और एम एस का वैल्यू कितना है, एम एस का वैल्यू कितना है, -1/2, तो उस केस में अपने पास ये जो म्यूजेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस केस में म्यूजेड हो जाएगा यहाँ पे म्यूजेड,
ये एम एस की जगह 1/2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस म्यू बी। ठीक है, अगर एस की वैल्यू 1/2 है, एम एस की वैल्यू कितना है 1/2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस केस में प्लस और इस वाले में माइनस आ जाएगा, म्यू जेड इक्वल टू माइनस म्यू पी। ठीक है, ये बात आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक जानने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे ये जो नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है वाइवा में, ये नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है, तो नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक ग्रेडियंट बनता है। मैग्नेटिक ग्रेडियंट के कारण ये जो बीम आता है, उस बीम के ऊपर फोर्स लगता है, वो बीम क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।